से महर्षि
उसे कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया। राजा सगर के पौत्र अंशुमन अपने चाचाओं को खोजते खोजते कपिल आश्रम में जा पहुंचे। अपने 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख वही देखी और दुखी हो गए। गरुड़ ने वहां घटी घटना की कथा उन्हें सुनाई और बताया कि चाचाओं की मृत्यु साधारण नहीं थी, इसीलिए उनका दर्पण करने के लिए केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा का जल ही सही माना जाएगा। मार्गदर्शन मिलने पर अंशुमन घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे और राजा सगर को संपूर्ण घटना बताई। राजा सगर, राजा अंशुमन, उसके उपरांत उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुए। भगीरथ ने भी गंगा तपस्या का निर्णय किया। भगीरथ की कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए मुझे गंगा का जल प्रदान करें तथा संतान भी वंश नष्ट ना हो जाए। हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली इच्छा गंगा का जल प्रदान करना यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा भगवान विष्णु की सेवा में है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करनी होगी। महादेव जी की तपस्या की
कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूंगा, जिसके लिए मैं अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करूंगा। भगवान विष्णु ने गंगा से कहा, मृत्युलोक के कल्याण के लिए गंगा को धरती पर जाना ही होगा। वहां के जीव उनके जल का स्पर्श पाकर पाप मुक्त होंगे और उनका उद्धार होगा। भगवान कृष्ण से आश्वस्त हो गंगा श्री हरि कृष्ण चरणों से होकर वहां से चल गए। मतलब दर्शक नहीं है ना।